रास्ते के विवाद में दबंगों ने की बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फराजपुरा में रास्ते के विवाद में दबंगों ने की लाठी डंडे व रॉड से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फराजपुरा में 62 वर्षीय बाबूराम सिंह का गाँव के ही बलवीर सिंह से रास्ते का काफी समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार की सुबह 5 बजे बाबूराम सिंह अपने घर पर थे। आरोप है कि बलवीर ने अपने बेटों और परिवार के दबंगों को साथ लेकर बाबूराम के घर पर हमला बोल दिया। सभी लाठी डंडे रॉड और हथियारों से लैस थे। बाबूराम के घर जो भी मिला उसकी जमकर पिटाई की। रॉड से हमले में बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। घटना में घायल बाबूराम और उनके पुत्र को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बाबूराम को मृत घोषित कर दिया। परिवार की महिला मृतक बाबूराम की पुत्रवधु ने पुलिस पर देर से पहुंचने और दबंगों की पूरी करतूत बताई और न्याय की मांग की है। मृतक की पुत्रवधु की घटना की सूचना पर गांव में थाना डिडौली कोतवाली पुलिस पहुंची और एसपी डॉक्टर विपिन तांडा भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मुआयना किया। ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पुलिस को निर्देश देकर शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया और पूरे मामले में कार्यवाही किए जाने की बात कही है। रचना कहाँ की रहने वाली है? थाना कौन सा लगता? डिडौली। ये बताइए इनके जो मतलब चोट लगी कौन है आपके? मेरे पति हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कैसे लगी इनके चोट? इनके चोट अगर पिताजी को हमारे जेठ को मार रहे हैं ना कमरे में। किस बात को लेकर मार रहे थे? रास्ता मांग रहे थे घर में को। कौन लोग थे वो? वहाँ वो लोग दूसरी पार्टी के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो कमरे में बंद कर लिए पिताजी और हमारे जेठ। फिर एक पड़ोसी ने छत पे को चढ़ के आवाज मारी, हमारे घर थोड़ा था सारा। अच्छा, वो माली माली भगोजे ऐसे ही भग चले। फिर जे रास्ते में आए मारे हैं वापस ही ये। अच्छा, वहाँ तो कोच भी ना पाए रास्ते में और मेरे भी सर ये ही बंदूक की फाड़ी ही तमंचे सब चीज। फिर पुलिस को लेकर भगे, पुलिस को देख कर भगे पीछे। कितने लोग थे मारने वाले? कितने लोग थे मारने वाले? 20 जने थे। तो किसी की मृत्यु भी हुई है? नहीं, कुछ नहीं उनके। नहीं, इधर आपकी तरफ? हाँ, हमारे पिताजी बाबा के डेड हो गए। अच्छा, क्या नाम था उनका? बाबूराम सिंह। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही पुलिस हमारे मामले में, सब ऐसे ही। दो घंटे में तो पुलिस पहुंची थी हमारे घर। अच्छा, और उनके तरफ गई भी ना। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इसमें? इंसाफ चाहते हैं हम, जैसा हमारा मरा ऐसे मारो उन्हें भी। जी, इसमें चचेरे तहरे भाइयों में एक रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कि आज सुबह दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और मारपीट से 3 लोग घायल हुए हैं और एक की मृत्यु हुई है। जो मृतक है उसके पक्ष में मुकदमा लिखवाया जा रहा है उसके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर पर, और इसमें साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है।